एचओडी के छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास। जहां एक तरफ प्रदेश में योगी सरकार अपने शासनकाल में नकल विहीन परीक्षा, निशुल्क दाखिला फीस की बढ़ोतरी में कमी करके देश और राष्ट्र के भविष्य संवारने में प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ फैजाबाद के पॉलिटेक्निक के एचओडी आनंद सचान की तानाशाही कुछ इस कदर देखने को मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फैजाबाद में बने राजकीय पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय की। वैसे तो ये विद्यालय सरकारी विद्यालयों की श्रेणियों में अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। फैजाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र ताड़कनाथ यादव का आरोप है कि विद्यालय के एचओडी आनंद सचान द्वारा उसे कई महीनों से शारीरिक व मानसिक स्तर पर टॉर्चर कर रहे हैं। छात्र का कहना है कि परीक्षा के दौरान समय से पहले एचडी के इशारे पर कक्ष निरीक्षक के द्वारा कॉपी छीन ली गई। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रवेश पत्र विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक हफ्ते तक रोक लिया गया था, जिसकी वजह से छात्र ने अलग आत्महत्या करने की कोशिश की थी। छात्र का ये भी आरोप है कि परीक्षा के समय मेरी एंट्री सबसे आखिर में की जाती थी, जिसके चलते इसकी शिकायत पीड़ित छात्र ने प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, लेकिन एचओडी आनंद सचान राजनीतिक पार्टियों के विशेष खबरदारियों से पकड़ होने के कारण प्रशासन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में बौना साबित हो रहा है। फिलहाल पीड़ित छात्र ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। क्या प्रशासन इस पीड़ित छात्र की सुनवाई करता है या नहीं, ये सोच का विषय है। फैजाबाद से हरिश्चंद मौर्या। क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारे यहाँ मतलब हम लगभग 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है, और आज मैं 30 तारीख को मैं जब एग्ज़ाम देने गया सुबह, हमको 1 घंटे के बाद कॉपी छीन ले गई। दोबारा हमको कॉपी नहीं दी गई, उसके बाद मारा पीटा गया। और ये कैमरे में रिकॉर्ड है संस्था के, उसको आप देख सकते हैं सर। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। कौन आपको प्रताड़ित कर? हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी जो हमारे क्लासरूम में ड्यूटी कर रहे थे, हीरामण वर्मा या हीराधर वर्मा उनका नाम है, उनको हमको सही से पता नहीं है उसके बारे में। तो हमें चाहते हैं सर कि हमारे साथ उचित कार्रवाई हो, जिससे कि हमें न्याय मिल सके। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो आपको जो है प्रताड़ित जो है वो कर रहे हैं? क्या मामला है पूरा? अब कोई ऐसा जाति विवाद या मतलब कोई घरेलू विवाद या किसी तरीके का, क्या आपको क्या लगता है? अब सर उनको मुझसे पता नहीं क्यों ऐसा कुछ है जो कि उनको मतलब जलन टाइप का है। पिछले 6 महीने से 2 बार हमसे हलफनामा ले चुके हैं, एक बार नाम काटने की धमकी देकर, एक बार कहीं सेशन काटने की धमकी देकर, एक बार शॉर्ट लिस्ट कर 2 बार हमको धमकी मतलब मिलकर हमसे हलफनामा संस्था में दिए हैं, जो कि प्रूफ है संस्था में। इस हिसाब से हमारे साथ न्याय होना चाहिए। आपने इसकी जो है क्या नाम है किसी उच्च अधिकारी को जो इसकी सूचना जो है अवगत कराई? अवगत हमने अपने चौकी पर करा दिया है साहबगंज, और उसके बाद थाना कैंट पर हमने अप्लीकेशन दे दिया है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला यही कि मतलब देखा जाएगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक हमको सूचना नहीं है। शायद एक बार थाना मतलब अध्यक्ष गए थे यहाँ पे चौकी इंचार्ज। कौन सा विद्यालय है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद। क्या नाम है आपका? ताड़कनाथ यादव। नहीं, ये सब निराधार आरोप हैं, इस तरह कोई बात नहीं है। उस दिन परीक्षा कक्ष में ड्यूटी में आईटीआई के स्टाफ ड्यूटी कर रहे थे, जिनको कि हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने यहाँ परीक्षक कार्य के लिए बुलाया गया था, और उनसे उस छात्र ने अभद्रता की। वो छात्र पीछे बैठकर अगल बगल के छात्रों से दाएं बाएं बातचीत कर रहा था, जिस पर उन्होंने आपत्ति की। अभद्रता करने पर हमारे के आंतरिक उड़ाकर दल ने उस छात्र को आगे बैठाया। आगे बैठाने पर भी वो उनसे बहस कर रहा था, जिसकी उन्होंने, चूँकि मैं सहायक केंद्र अधीक्षक हूँ, तो उन्होंने मुझसे शिकायत किया के, तो मैंने जाकर उस छात्र को अपने यथास्थान पर जहाँ पर बैठाया गया था वहाँ पर बैठकर परीक्षा देने को कहा, और ये भी कहा कि ये चूँकि बाहर का स्टाफ है तो आप इनसे अभद्रता मत करिए। आनंद कुमार।